वेलकम डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन द कॉरिस्पोंडिंग एंगल्स फॉर्म आर इक्वल देन द लाइंस आर। देखो ये आपकी दो लाइंस है, इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स जो बने हैं वो इक्वल है, जैसे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो इस केस में ये लाइंस कैसी होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए या अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए या इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी। ठीक है, तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। और देखो अगर आपको ये ट्रांसवर्सल लाइंस के द्वारा जो एंगल्स बनते हैं उनके नाम्स या वो किस टाइप के एंगल्स है उनके बारे में पढ़ना है तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उसका लिंक मैं आपको इसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक है, उससे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा पैरेलल। सेकंड देखो, इन द गिवन फिगर एल इज पैरेलल टू एम एंड एन इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, एल एम के पैरेलल और एन ट्रांसवर्सल, एंगल 2 110 है। ओके, चलो देखो ये एंगल 110 है, आपको एंगल 1 फाइंड करना है। एंगल 3 इसमें लिखा हुआ नहीं था, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। देखो आपको एंगल 1 और एंगल 2 में कोई भी रिलेशन नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, जब हम देखते हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इस केस में आप क्या करो, आपको ये पता है कि अगर ये एंगल और ये एंगल ये दोनों कैसे हैं लीनियर पेयर, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 2 + 3 कितना आएगा, 180। तो 110 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, सो एंगल 3 कितना आ जाएगा, 70। अब ये देखो ये एंगल जो है एंगल 3 और एंगल 1, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो एंगल 1 भी कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे आओ, इसमें ए पी क्यू 130 है। ठीक है, ये जो एंगल है ये 130, आपको ये वाला एंगल बताना है। अब ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल है, ये दोनों एंगल्स है अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है, इसमें लाइंस पैरेलल गिवन है, तो ये 130 है, तो ये भी कितना हो गया, 130। अगर आप ने एक बार इन एंगल्स के बारे में अच्छे से समझ लिया तो आपको एक सेकेंड नहीं लगेगा आंसर फाइंड करने में। ठीक है, आपको तीनों टाइप कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स, इन तीनों के बारे में बस एक बार थोड़े से अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द लाइन सीमेंट विच आर पैरेलल इन द फॉलोइंग फिगर। पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती है, वो लाइंस जो एक दूसरे से हमेशा बराबर डिस्टेंस पे रहती है और कभी भी नहीं मिलती। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें पैरेलल लाइन देखनी है, तो यहाँ पर देखो ए बी की पैरेलल लाइन कौन सी है, इसके सामने वाली डी सी। ठीक है, तो ए बी और डी सी, ए डी और बी सी। ठीक है, ये दोनों हो गए, इसमें ढूंढना है। देखो ए बी के पैरेलल कौन सी है, डी है, इसके पैरेलल कौन सी है, ये वाली लाइन, इसके पैरेलल ये वाली। ठीक है, और जो ये आप ये जो आप सिंबल लगा रहे हो ये किसका है, ये पैरेलल का सिंबल है। ठीक है, तो आप दोनों पेयर्स के बीच में ये सिंबल लगा देंगे तो वहाँ से हम इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इसमें आपको बताना है लाइंस पैरेलल कौन कौन सी है। तो देखो मैं इसको लेता हूँ पी आर, इसके पैरेलल कौन सी है, क्यू एस, और इसके पैरेलल कौन सी है, टी यू, तो ये तीनों लाइंस पैरेलल हो गई। ऐसे ही इसके लिए ये पैरेलल, इसके ये पैरेलल, इसके। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसमें बताना है। तो देखो यहाँ से उठाओ, जैसे मैंने ये लाइन ले ली सी डी, अब इसके पैरेलल कौन सी है, इसके सामने वाली ई जी। ठीक है, अब इसके पैरेलल कौन सी है, ये वाली, और इसके पैरेलल कौन सी है, ये वाली। तो इस तरीके से ये चार लाइंस पैरेलल हुई। ठीक है, अब इस वाली के लिए ले लो, ये पैरेलल किसके, इसके, ये पैरेलल इसके, और ये पैरेलल इसके, तो एक पेयर ये भी पैरेलल हो गया। ठीक है, ऐसे ही तीसरा पैरेलल पेयर कौन सा आएगा, देखो ये वाला, ये पैरेलल इसके, फिर ये इसके, और फिर ये इसके। ठीक है, तो इसमें टोटल 12 एजेस या 12 लाइंस है, और ये 12 लाइंस ऐसे 4-4 के पेयर में पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ,
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर द लाइन एल इज ट्रांसवर्सल और नॉट। एक ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी लाइन होती है जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पे कट करती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक ये एल लाइन देखो, एक एक दो तीन, तीन लाइंस को कर रही है तो ये ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर ये एल लाइन देखो, इस लाइन को भी कर रही है, इसको भी कर रही है और इसको भी कर रही है, तीन को कर रही है, ठीक है ट्रांसवर्सल। यहाँ पर ये एल लाइन देखो, इसको भी कर रही है और इसको भी कर रही है, दो लाइंस को तो कर रही है तो ये ट्रांसवर्सल, ठीक है। क्वेश्चन देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल वन इक्वल टू 70, एंगल थ्री इज इक्वल टू 55, आर ए बी एंड सी डी पैरेलल। आप देखो, वन की वैल्यू 70 है, ठीक है, तो टू की वैल्यू भी क्या आएगी, 70। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे, वो मैटर नहीं करता लाइन कैसी भी हो, ठीक है। लाइन होगी और एक अगर दो लाइन्स एक दूसरे कट करेगी तो हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो देखो 270 आ गया। अब ये जो 2 की पोजीशन है वही मेरे को यहाँ पर 3 की पोजीशन नज़र आ रही है, यानी ये दोनों कैसे एंगल है, कॉरिस्पोंडिंग एंगल, और कॉरिस्पोंडिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे अगर लाइंस पैरेलल होगी। बट यहाँ पर तो इक्वल नहीं है भाई, यहाँ पर ये तो 55 है और ये 70 है, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो सीधी सी बात हम कह देंगे लाइन भी पैरेलल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंगल इक्वल नहीं मिल रहे तो लाइन भी पैरेलल नहीं, तो यहाँ पर आप कह दोगे कि लाइंस पैरेलल नहीं है। अब इसमें देखो, आपको नेम करना है एक्सटीरियर इंटीरियर, तो देखो मैंने इसके लिए आप दोबारा, ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर हमारे पास जब ये दोनों लाइंस ए बी और सी डी को एक लाइन पी लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है इंटीरियर एक्सटीरियर। सबसे पहले देखो इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ, ठीक है, इंटीरियर का मतलब होता है। तो यहाँ पर देखो अंदर की तरफ एंगल कौन कौन से हैं, इस लाइन से अगर अंदर देखें तो 3 एंगल और 4 एंगल, ठीक है, 5 और 6। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, 3, 4, 5, 6, ठीक है। उसके बाद एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, बाहर कौन कौन से हैं, 1, 2, 7, 8, ठीक है। तो इंटीरियर तो अंदर वाले 3, 4, 5, 6, एक्सटीरियर बाहर वाले 1, 2, 7, 8। अब आ जाओ कॉरिस्पोंडिंग एंगल्स पर। कॉरिस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होंगे, कॉरिस्पोंडिंग एंगल्स से मतलब है मेरा कि वो एंगल्स जिनकी दोनों लाइंस पर पोजीशन सेम हो, एक डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर आता हूँ, 1, अगर इस लाइन के लिए मैं 1 एंगल की पोजीशन इस लाइन पर देखना चाहता हूँ तो देखो सेम डायरेक्शन यहाँ पर आ गए, और पोजीशन देखो इस लाइन के ऊपर ही है तो यहाँ पर भी इस लाइन के ऊपर ये एंगल है, तो 1 और 5 ऐसे लिखेंगे कि ये दोनों पेयर जो है 1 और 5, ये दोनों पेयर क्या हो गए, कॉरिस्पोंडिंग, ठीक है। अब ऐसे ही 2 के लिए कौन है, 6, तो 2 और 6 लिख देंगे। 3 के लिए 7 नीचे की तरफ वाला, ठीक है, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ है। 4 के लिए 8, तो 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, इस तरीके से ये जो पेयर है वो कौन से पेयर बन गए, कॉरिस्पोंडिंग एंगल्स के पेयर। अब देखो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल कौन से एंगल होंगे जो एक दूसरे से अपोजिट साइड में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ सबसे पहले 1 से अपोजिट में देखना, और ये ध्यान रखना अगर इंटीरियर की बात करेंगे तो इंटीरियर में देखेंगे, एक्सटीरियर की बात करेंगे तो एक्सटीरियर में, तो 1 एक्सटीरियर में है तो एक्सटीरियर में देखो, 1 से एक्सटीरियर में देखो एक दो एंगल है 7 और 8, तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है, ये वाला, तो 1 और 7, ये दोनों अल्टरनेट है, और ये दोनों अल्टरनेट कौन से, अल्टरनेट एक्सटीरियर। ऐसे ही 2 के लिए 8, तो ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर। 3 के लिए ये इंटीरियर है, तो इंटीरियर में देखो आप 3 के लिए 5 और 6 में से कौन सा अपोजिट डायरेक्शन में है, 5, तो 3, 5, सेम साइड में नहीं ना, अपोजिट साइड्स में होने चाहिए, तो 3, 5, 4, 6, तो 1, 7, 2, 8, 3, 5, 4, 6, ये चारों पेयर्स क्या होंगे, अल्टरनेट, ठीक है। 1, 7 और 2, 8 तो हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर, 3, 5 और 4, 6 हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब लास्ट पेयर देखो,
इसको आप कहते हैं वो सेम साइड इंटीरियर एंगल, या इसका एक नाम होता है को इंटीरियर एंगल। तो वो कौन से है, देखो वो इसमें वैसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो कि जैसे अगर आपको सेम साइड इंटीरियर एंगल तो आप केवल इंटीरियर में देखेंगे। अब देखो थ्री जो है, थ्री के लिए सिक्स और फाइव में से देखो, फाइव तो इसके लिए अल्टरनेट हो चुका है तो, और सिक्स इसकी सेम साइड में, तो इस ये थ्री और सिक्स क्या हो गए, को इंटीरियर। तो थ्री एंड सिक्स आर को इंटीरियर। ऐसे ही फोर और फाइव, ये भी क्या हो गए, को इंटीरियर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब जो मेन चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर ये लाइन पैरलर हो जाए, अगर ये लाइन पैरलर हो जाए तो सबसे पहली चीज़ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल सब इक्वल हो जाएंगे। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के जितने पेयर है, जैसे वन और फाइव को कॉरिस्पॉन्डिंग है तो इक्वल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो जैसे वन का अल्टरनेट कौन है, सेवन, तो वन और सेवन इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही तीसरी चीज़ को इंटीरियर एंगल्स या सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, अगर लाइन्स पैरलर हुई तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा। अब देखो सिक्स क्वेश्चन, इन द जॉइनिंग फिगर ए बी एंड सी डी, सी डी एंड ई एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो सबसे पहली बात, ए बी लाइन जो है, ये लाइन इसके पैरलर है। अगर ये दोनों लाइन पैरलर है तो सबसे पहली बात एंगल वन और एंगल टू इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल है, सेम पोजिशन पर है, सेम साइड में है, तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरलर होती है, तो वन और टू इक्वल। ठीक है, पहले का रीजन क्या आ जाएगा, क्योंकि ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे देखो सी डी लाइन और ई एफ लाइन पैरलर है, तो टू इक्वल टू थ्री भी आएगा। ठीक है, सेम कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आपसे पूछे क्या ये बी ई एफ के पैरलर होगी। अब देखो, अब यहाँ से एक बार नज़र करो, वन इक्वल टू टू, टू इक्वल टू थ्री, वन की वैल्यू टू के बराबर और टू की वैल्यू थ्री के बराबर, तो वन और थ्री भी तो इक्वल होंगे ना। मान लो जैसे वन और टू इक्वल है, मैंने ले लिया कि वन और टू दोनों की वैल्यू फोर है, टू की वैल्यू फोर है तो थ्री की वैल्यू भी क्या आएगी, फोर, यानी कि वन भी फोर, टू भी फोर और थ्री भी फोर, इसलिए वन और थ्री इक्वल। अब देखो ये वन एंगल और ये थ्री एंगल, इस बीच वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसके लिए इसको भूल जाओ थोड़ी देर के। वन और थ्री कैसे है, वन और थ्री जो एंगल है वो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो लाइंस कैसी होगी, पैरलर, तो ए बी लाइन पैरलर टू ई एफ। ठीक है, मिल गया हमें रिजल्ट। नहीं देखो, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको कंपटीशन में मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आप एक बार समझ लेंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास ए बी और सी डी लाइन पैरलर है, पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है, आपको एंगल वन की वैल्यू पता है 65। ठीक है, अब देखो इसमें आपको अगर एक एंगल पता लग जाए तो आप बाकी सारे एंगल्स कैसे निकालेंगे, वो ही देखना है आपको। देखो सबसे पहले देखो वन के लिए, देखो वन और टू कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी 65। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों एंगल्स पे आ जाओ, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, लीनियर पेयर, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, लीनियर पेयर, तो 1 + 5 इन दोनों का सम आएगा 180, इन दोनों का सम आएगा 180, तो 1 + 5 करके आप 5 की वैल्यू निकाल देंगे, वो आ जाएगा 180 - 65, यानी 115। तो 5 आ गया आपके पास, 5 और 6 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट। जब आपके पास ये चारों आ गए तो बाकी चारों तो आप बहुत ईजिली तरीके से निकाल सकते हो। देखो 1 और 8 सेम पोजिशन 115, 5 और 7 सेम पोजिशन, सॉरी 1 और 8 सेम पोजिशन, तो 1 की वैल्यू 65, तो ये भी 65, 5 और 7 सेम पोजिशन 115, 2 और 3 सेम पोजिशन कॉरिस्पॉन्डिंग 65, और ये 115, तो ये भी 115। तो इस तरीके से इन दो वैल्यूज, ये दो वैल्यूज ही आएंगे सभी एंगल्स की। ठीक है, तो देखो 165 था तो 265 आया, वर्टिकली अपोजिट, 1 + 5 को लीनियर पेयर करके 5 की वैल्यू निकाली, 5 और 6 इक्वल आ गए, वर्टिकली अपोजिट। उसके इन चारों एंगल्स से हमने इन चारों एंगल्स को फाइंड कर लिया कॉरिस्पॉन्ड एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन के दो पार्ट्स, देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू पैरेलल टू बी सी। एक बार इस डायग्राम को देखो, ये लाइन पी क्यू लाइन इस बी सी लाइन के पैरेलल है। ठीक है,
अब देखो, अगर ये पैरेलल है तो ये, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ट्रांसवर्सल समझता हूँ, तो देखो ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई 30। ये एंगल और ये एंगल, ये भी अल्टरनेट हो गए क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये आ गया 80। ठीक है, दो एंगल्स तो हमें मिल गए एक्स और वाई, जेड की वैल्यू निकालनी है। अब देखो एक्स और वाई मिल चुके हैं, ये लाइन कैसी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो ये कितने भी एंगल्स बने उन सभी एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो 30 प्लस जेड प्लस 80 इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेंगे 30 प्लस 80 प्लस जेड इक्वल टू 180। 30 प्लस 80 110 हो गया, 110 प्लस जेड इक्वल टू 180, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110 यानी 70। ठीक है, ऐसा ही सेकंड पार्ट है, देखो बिल्कुल एज इट इज है, मैं डायग्राम से ही बता देता हूँ इसको भी। देखो यहाँ पर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट, तो x इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये देखो ये साइन किसका है, राइट एंगल का 90, तो z और ये अल्टरनेट, तो z की वैल्यू 90, x की वैल्यू 60, z की वैल्यू 90, इन तीनों एंगल्स का जोड़ कितना आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, अगेन 180 क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो 60 प्लस 90 प्लस जेड इक्वल टू 180, 150 आ जाएगा जोड़, 150 को इस तरफ ले आएंगे तो जेड की वैल्यू 30। तो इस तरीके से हम इन तीनों वैल्यूज को निकाल पाए। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 इसके साथ ही कंप्लीट होती है, अच्छे से इसको रिवाइज करें, गुड लक।